जिला शिमला के रोहड़ू की नताशा शर्मा और जिला सिरमौर की याशिका शर्मा मिस टीन इंडिया में सूबे का प्रतिनिधित्व करेंगी। मिस टीन हिमाचल के ऑनलाइन ऑडिशन में आवेदनकर्ता 120 मॉडल्स में से इन दो का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। मिस टीन इंडिया के स्टेट डायरेक्टर बेबिन अत्री ने हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि मिस टीन हिमाचल को ऑनलाइन आए 120 में से 50 आवेदन योग्यता के आधार पर चयनित किए गए। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स सहित अन्य योग्यता को जांचा गया और इनमें से 20 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चयनित किया गया। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बेहतर रही 10 मॉडल्स को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए चुना गया। व्यक्तिगत साक्षात्कार में याशिका शर्मा और नताशा शर्मा सबसे बेहतर रही और दोनों ने मिस टीन हिमाचल का खिताब जीता। अब दोनों मिस टीन इंडिया में सूबे का प्रतिनिधित्व करेंगी। नताशा शर्मा रोहड़ू की रहने वाली हैं और शिमला के चेल्सी स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा हैं, जबकि याशिका शर्मा होटल ताज में फ्रंट ऑफिसर की नौकरी करती हैं। दोनों मॉडल्स ने कहा कि जो प्लेटफॉर्म उन्हें मिस टीन हिमाचल से मिला है उससे वे अब प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। उनका सपना मिस टीन इंडिया में बेहतर प्रदर्शन कर मिस टीन इंटरनेशनल में देश का प्रतिनिधित्व कर खिताब हासिल करना है। शिखा शर्मा है, मैं नाम हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैं सिर्फ अभी 18 हूँ और करंटली मैं होटल ताज में जॉब कर रही हूँ। आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी थैंकफुल टू बिबिन सर, जिन्होंने हमको एक चांस दिया है हिमाचल को इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए। मोस्टली हिमाचल की लड़कियाँ मिस टीन इंडिया में नहीं जा पाती है, बट दिस टाइम वी विल मेक श्योर कि हम लोग जाएँ अच्छे से, अपने हिमाचल अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करें और हम अवार्ड लेकर। हेलो, मेरा नाम नताशा शर्मा है, मैं 16 इयर्स की हूँ। मैं बेसिकली रोहड़ू से बिलोंग करती हूँ, बट रिसेंटली अभी मैं शिमला में स्टडी कर रही हूँ। आई एम ग्लैड कि मुझे इस पेजेंट में आने का एक मौका दिया गया एंड मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया जहाँ पर मैं अपने टैलेंट को शो कर सकूँ। आज हम ट्राई करेंगे एंड वी डेफिनेटली विन दिस टाइटल और हम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। सो इसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। बेबिन अत्री ने बताया कि मिस टीन इंडिया की प्रतियोगिता जयपुर में 28 सितंबर को होगी, जिसमें विभिन्न राज्यों की 32 मॉडल्स भाग लेंगी। इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने कोलैबोरेशन में एक कंपटीशन कराया जिसमें कि जिसका नाम है मिस टीन हिमाचल, जिसमें कि हिमाचल से दो लड़कियां जो जीती हैं वो अभी मिस टीन इंडिया में हिमाचल रिप्रेजेंट करने होगी। तो बेसिकली होता क्या है कि ऑल ओवर इंडिया ऑडिशंस होते हैं बट वहाँ पे हिमाचल की लड़कियों के पास जा नहीं पाती हैं, रिवर्स सेलेक्ट नहीं हो पाती हैं। तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया था कि मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट करा था मिस टीन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन को कि प्लीज़ आप हमें फ्रेंचाइजी दें जिससे कि हिमाचल की दो लड़कियाँ पक्का आपके कॉम्पिटिशन में आए ही आए, ताकि हिमाचल की लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए और मोटिवेशन मिले। तो मेरे को 120 एंट्रीज आई थी हमारी मेल पर, जिसमें से हमने 50 शॉर्ट लिस्ट करी, जिसमें हमने उनको कॉल करा, हमने उनकी स्पीकिंग स्किल्स चेक करी, उसके बाद हम लोगों ने इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बुलाया 20 लड़कियों को, और इन दी एंड जो 10 जो बेस्ट हमें लगी उनका हम लोगों ने पर्सनल इंटरव्यू लिया। उसके बाद ये दो लड़कियां हैं यशिका शर्मा और नताशा शर्मा जो कि सिलेक्ट हुई हैं और जो कि अभी जयपुर में 22 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक हिमाचल रिप्रेजेंट करेंगी और मिस टीन इंडिया में कम्पीट करेंगी, और अगर ये वहाँ से जीतती हैं तो मिस टीन इंटरनेशनल में इंडिया रिप्रेजेंट करने वाली। इस मौके पर पूर्व मिस टीन हिमाचल एवं मिस टीन इंडिया की मिस टीन फोटोजेनिक रही वैष्णवी चौहान भी मौजूद रही। बीएमएस कर रही हूं कोटला से, मैं डॉक्टर हूं बाय प्रोफेशन और मैं लास्ट ईयर में सुपर मॉडल हिमाचल की विनर रह चुकी हूं, और उसके बाद फिर मैंने हिमाचल को रिप्रेजेंट करा था सुपर मॉडल इंडिया में जहां पर मैं सबटाइटल विनर थी मिस फोटोजेनिक।